तो गाइस आप सभी ने फ्री फायर इंडिया डाउनलोड तो कर ही लिया होगा और खेल भी रहे होंगे और मजा भी बहुत ही ज्यादा आ रहा होगा। अबे साले आज जो हमारे साथ हुआ है बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, वो किसी के साथ ना हो। आज हमारा फ्री फायर इंडिया आने वाला था और हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, फ्री फायर इंडिया आएगा आज, फ्री फायर इंडिया आएगा। और एंड मोमेंट में गरीना बता रहा है कि फ्री फायर इंडिया आज नहीं आएगा, और ये बात गरीना ने 4 तारीख को ही बता दिया था। और मैं उसी दिन रात को इंस्टाग्राम खोलता हूँ और देखता हूँ गरीना फ्री फायर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट डाला है, और ये पोस्ट देख के मेरे को लगा कि गर्ल फ्री फायर आने वाला है तो कुछ इसी के रिलेटेड कुछ होगा, कि आप लोग कल के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं यही कुछ बताया होगा। बट भाई जब मैंने नीचे कैप्शन पढ़ा भाई, मैं वो पढ़ के बिल्कुल हिल गया था यार। गरीना वालों ने बोला है कि फ्री फायर इंडिया को रिस्पॉन्ड कर दिया गया है, मतलब कि वो 5 तारीख को फ्री फायर इंडिया नहीं आएगा और कुछ 1-2 हफ्ते बाद आएगा वो फ्री फायर इंडिया। और डिटेल में बताऊं तो गरीना वाले ने बोला है कि जो हमारा फ्री फायर इंडिया है उस पे इतने ज्यादा प्री रजिस्टर्ड हुए हैं कि उनका सर्वर क्रैश हो गया, उनसे उनका सर्वर संभाला नहीं गया। मतलब यार बहुत ही ज्यादा लोगों ने प्री रजिस्टर्ड किया था फ्री फायर इंडिया, तो मतलब उनके सर्वर पे बहुत ही ज्यादा लोड पड़ गया, इसके वजह से उनको उनका डेट पोस्टपोन करना पड़ा फ्री फायर वालों को। और उनके सर्वर पे इतना ज्यादा लोड क्यों पड़ा, एमएस धोनी भाई की वजह से, धोनी भाई की वजह से। तुम लोगों को तो पता होगा कि फ्री फायर वालों ने एमएस धोनी के साथ कोलैब किया था। गरीना ने जितना एक्सपेक्ट किया था कि इतने लोग प्री रजिस्टर करेंगे, इतने लोग गेम खेलेंगे, उससे कई ज्यादा लोगों ने प्री रजिस्टर किया फ्री फायर इंडिया के लिए, और इनसे उनका सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ गया और सर्वर क्रैश हो गया। भाई मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स मिला यार गरीना वालों को फ्री फायर इंडिया के लिए, जितना उन्होंने सोचा नहीं था ना उससे कई ज्यादा गुना यार उनको रिस्पॉन्स मिला फ्री फायर इंडिया के लिए, और इनसे उनका सर्वर क्रैश हो गया। मतलब कि क्रैश नहीं हुआ, बोल सकते हो कि लोड पड़ गया, इसके वजह से फ्री फायर इंडिया आज नहीं आया। गरीना वाले चाहते तो मतलब कि आज आ सकता था फ्री फायर इंडिया, अगर फ्री फायर वाले चाहते तो आ सकता था, लेकिन उससे दिक्कत क्या होता गेम के अंदर, जैसे फ्री फायर प्ले स्टोर पे आता तो देखो उसे होता कि जैसे हम गेम खेलते तो बहुत ज्यादा ग्लिच देखने को मिलता, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता, और इससे फ्री फायर का सर्वर फिर से क्रैश हो जाता, फिर क्या फायदा। इसलिए फ्री फायर वालों ने फ्री फायर इंडिया को नहीं लाया प्ले स्टोर पे, और इससे हमारे फ्री फायर इंडिया का भी इमेज खराब हो जाता और हमारे गेम में इतने ज्यादा ग्लिच, इतने ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता, तो लोग बोलते कि ये बहुत ही ज्यादा बेकार गेम है। तो इसके वजह से फ्री फायर वालों ने आज फ्री फायर इंडिया को नहीं डाला प्ले स्टोर पे, और फ्री फायर वालों ने फ्री फायर इंडिया का मतलब पोस्टपोन कर दिया कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। तो मतलब 1-2 हफ्ते में 10-15 दिन में हमारा फ्री फायर इंडिया प्ले स्टोर पे आ जाएगा। तो यार बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने सोचा था कि ये वीडियो बना देता हूं, टूनेट अपडेट दे देता हूं। मतलब ये टूनेट अपडेट तो नहीं है, मतलब कि एक टाइप से न्यूज है, आप सभी को मैंने न्यूज दे दिया। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब याद से कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।